हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शानी एंड आज मैं ये वीडियो सेकंड टाइम शूट कर रही हूँ, क्योंकि पहले जब मैंने इस वीडियो को शूट किया था तो उसका जो ऑडियो है वो बिल्कुल भी नहीं आया था, क्योंकि मेरा जो बोया का माइक है वो अभी काम नहीं कर रहा। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, बट डेफिनेटली मुझे कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। सो जैसे मैं प्रीवियसली वीडियोज शूट करती थी वैसे ही मैं शूट कर रही हूँ आज। तो अगेन मैं रीशूट कर रही हूँ ये वाला वीडियो। सो मेक श्योर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी YouTube शॉर्ट्स से पैसे मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज शॉर्ट वीडियोस डालने से जो मोनिटाइजेशन है वो होता है कि नहीं, पैसे मिलते हैं कि नहीं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। सो आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आपको पैसे मिलते हैं, कितना मिलता है एंड मिलता है कि नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो या डेफिनेटली शॉर्ट्स वीडियोस डालने से आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन बहुत ही कम जो अमाउंट होता है वो काफी कम रहता है। और कोई भी नया फीचर जब कोई एप्लीकेशन ऐड करता है तो उस पर वो ज्यादा फोकस डालता है, उस पर ज्यादा ऑडियंस, ज्यादा इंगेजमेंट होता है। इसी वजह से जब इंस्टाग्राम ने रील्स इंट्रोड्यूस किया था तो रील्स वीडियोज बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहे थे नॉर्मल वीडियोज, आईजीटीवी वीडियोज से कंपेरिजन में। एट द सेम टाइम यूट्यूब ने भी जब अपना शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस किया, लॉन्च किया, तब शॉर्ट वीडियोस ज्यादा वायरल हो रहे हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल वीडियोस। तो इसी वजह से अगर आप ऑडियंस बेस गेन करना चाहते हैं देन डेफिनेटली शॉर्ट वीडियोस बहुत ही एक स्मार्ट तरीका है, क्योंकि शॉर्ट टाइम है। आजकल किसी के पास इतना ज्यादा 10 मिनट 5 मिनट का टाइम नहीं होता है इन्वेस्ट करना। वही सेम कॉन्टेंट अगर आप 60 सेकेंड के अंदर या 30 सेकेंड के अंदर आपको मिल रहा है देन वाई टू इन्वेस्ट 5 मिनट्स और 6 मिनट्स। तो इसी वजह से लोग भी शॉर्ट्स ज्यादा पसंद कर रहे हैं, YouTube भी शॉर्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। इनफैक्ट 9 महीने या 8 महीने पहले YouTube ने एक फंड रेज किया था ओनली फॉर YouTube शॉर्ट्स, 100 मिलियन का फंड्स जो वो डोनेट करेंगे हर साल अपने क्रिएटर्स को जो शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे। लेकिन इसका भी एक पॉलिसी है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आपका चैनल मोनिटाइज भी नहीं है फिर भी आपको पैसे मिल सकते हैं शॉर्ट वीडियोस अपलोड करके, वो इस फंड के थ्रू। लेकिन उसके लिए आपका जो शॉर्ट वीडियो है वो वायरल होना जरूरी है। कई बार हम लोग जब स्क्रॉल करते हैं तो कुछ वायरल शॉर्ट वीडियोस हमारे पास आ जाते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, उन्हें लाइक करते हैं। तो उस तरीके के वायरल वीडियोस अगर आप बनाते हैं फिर यूट्यूब नहीं देखेगा कि आपका चैनल मोनिटाइज्ड है कि नहीं, आपके चैनल में ऑडियंस कितना है, सब्सक्राइबर्स कितना है, कुछ भी नहीं देखेगा। अगर आपका कोई शॉर्ट वीडियो वायरल होता है तो वो जो 100 मिलियन का फंड इंट्रोड्यूस किया था YouTube ने सिर्फ शॉर्ट्स क्रिएटर्स के लिए, वहां से YouTube आपको खुद से मेल करेगा और वहां से थोड़ा सा फंड आपको मिलेगा आपका जो वीडियो है उसके बेसिस पर। सो ये पहली बार YouTube अपने क्रिएटर्स को पैसे ऐसे ही दे रहे हैं विदाउट चैनल मोनिटाइजेशन, या फिर अगर आपका चैनल में सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम है, 1000 सब्सक्राइबर्स से कम है, 100 सब्सक्राइबर्स है, फिर भी आपको पैसे मिलेंगे अगर आपका शॉर्ट वायरल होता है तो। तो ये एक तरीका है जिससे कि शॉर्ट वीडियोज अपलोड करके आपको पैसा मिल सकता है फ्रॉम YouTube ओनली। दूसरा एक तरीका है कि जब आपका चैनल ऑलरेडी मोनिटाइज्ड है और आप शॉर्ट वीडियोस डाल रहे हैं तो उस टाइम क्या होगा कि अगर कोई आपके यूट्यूब सर्च इंजन में जाकर सर्च करके आपका शॉर्ट देखता है, या फिर जब होम पेज से आपका जो YouTube शॉर्ट्स है वो उन्हें मिलता है और वो देखते हैं, फिर मेरे इस वीडियो के नीचे ना कई सारे वीडियो सजेशंस हैं, उनमें कुछ शॉर्ट वीडियो सजेशंस भी है। अगर वहां से सजेशन से भी कोई देखता है आपके वीडियो तो उस पर आपको कुछ ना कुछ डॉलर मिलेगा, उस पर वॉच टाइम भी काउंट होगा और डॉलर्स भी काउंट होंगे। लेकिन अगर YouTube के अलग से जो शॉर्ट्स वाला सेक्शन है वहां से जाकर अगर कोई आपका शॉर्ट वीडियो देखता है, जहां पर हम लोग स्क्रॉल करते करते शॉर्ट्स देखते हैं, जो अलग सा एक फीचर है YouTube ऐप पर शॉर्ट्स नाम का, तो उस फीचर से अगर कोई आपका शॉर्ट वीडियो देखता है तो आपको उसके लिए कोई वॉच टाइम भी नहीं मिलेगा और कोई डॉलर भी काउंट नहीं होगा। सिर्फ सजेशंस में अगर आता है, सर्च इंजन में आता है, या फिर होम पेज में आता है, या फिर किसी दूसरे तरीके से, तो ही आपको उससे डॉलर्स मिलते हैं। थर्ड जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अबाउट YouTube शॉर्ट्स वो है कि जब आप YouTube शॉर्ट्स खुद से रिकॉर्ड करते हैं, YouTube शॉर्ट्स का जो सेक्शन है वहां पर जाकर जो कैमरा है वहां से आप डायरेक्टली शॉर्ट्स को
शूट करते हैं और यूट्यूब म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं, जो कि बॉलीवुड सॉन्ग्स हो सकता है, बॉलीवुड म्यूजिक हो सकता है, जो कि कॉपीराइट फ्री नहीं है, तो उसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे, कोई डॉलर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको हमेशा यूट्यूब पर डॉलर्स कमाने के लिए कॉपीराइट फ्री सॉन्ग्स ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको कोई दूसरे एप्लीकेशन में शॉर्ट वीडियो को एडिट करना है, फिर उसके बैकग्राउंड में आपको यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी का जो नो कॉपीराइट म्यूजिक्स है, मतलब कॉपीराइट फ्री जो म्यूजिक्स है, उसे बैकग्राउंड में बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड फिर उस वीडियो को आपको अपलोड करना पड़ेगा यूट्यूब शॉर्ट्स में। इस तरीके से आपका डॉलर काउंट हो सकता है। बट अगर आप यूट्यूब म्यूजिक इस्तेमाल करेंगे और फिर यूट्यूब शॉर्ट्स जो सेक्शन है वहां पर जाकर डायरेक्टली शूट करके वो म्यूजिक डालकर आप अगर अपलोड करेंगे, या फिर अगर आप एडिट करके भी बॉलीवुड म्यूजिक कुछ ऐसा डाल रहे हैं जो कि कॉपीराइट फ्री नहीं है, तो फिर आपको नहीं मिलेगा, कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा, बट डॉलर्स काउंट नहीं होंगे। सो ये जो अपडेट्स थे ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। बट एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, रिसेंट जो अपडेट आया है YouTube Shorts को लेकर, वो है कि आप जैसे कि हम लोग लाइव जाते हैं तो सुपर चैट्स हमें मिलते हैं, तो वैसे ही YouTube ने इंट्रोड्यूस किया है सुपर चैट, जो कि शॉर्ट्स वीडियोस पर वो आपको सेंड कर सकते हैं। मतलब अगर आपके किसी क्रिएटर ने कुछ शॉर्ट वीडियो ऐसा अपलोड किया जो देखकर आपको बहुत अच्छा लगा और आप उन्हें कुछ एज अ थैंक्स कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप वो सुपर चैट को क्लिक करके आप कुछ डोनेट भी कर सकते हैं अपने फेवरेट क्रिएटर को। तो ये भी एक जरिया है जिससे कि आप शॉर्ट वीडियोज बनाकर पैसे कमा सकते हैं। सो इतने सारे तरीके हैं जिससे कि आप सिर्फ 60 सेकंड के अंदर शॉर्ट वीडियोस बनाकर YouTube से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी है जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करके बताइए नेक्स्ट आपको कौन सा वीडियो देखना है। कुछ भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आज के लिए था, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।